मैंने आपको बोला ब्रिटिश की पॉलिसीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली, प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लो, फिर आप ही आपको समझ आ जाएगा। इसका भी रीजन क्या था, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। ये मोपला फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उसको दो बंदों ने सपोर्ट किया, हिंदू पैट्रियोटिक न्यूज़पेपर है, ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी इसका एडिटर था, उसने इस रिवोल्ट को अपनी न्यूज़पेपर में मेंशन किया, ठीक है। हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट में इस अपराइजिंग, इस रिवोल्ट के बारे में मेंशन किया, दैट मीन्स ये न्यूज़ पूरे इंडिया में फिर फैल गई, तो इससे ये रिवोल्ट काफ़ी फेमस हो गया। और एक था राम गोपाल घोष, इसका भी न्यूज़पेपर था अमृत बाजार। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज द एडिटर ऑफ द अमृत बाजार, राम गोपाल घोष, हु वाज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी। मोलफा रिवोल्ट अपराइजिंग, मोलफाज कौन थे, वो अरब सेटलर्स थे, पीजेंट्स थे जो अरब से आए थे। ये रिवोल्ट फेमस क्यों हुआ, क्योंकि हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट में इसको पब्लिश किया, तो और ये पूरे इंडिया में फैल गया। राम गोपाल घोष ने भी अमृत बाजार न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करवाया। इन लोगों ने जो ये मोफलाज थे, इन लोगों ने टारगेट किया किनको, जमीज। जमीज कौन थे, लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स किनके पपेट होते थे, ब्रिटिश के, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो ये मोलफाज थे, इन लोगों ने अटैक्स को किया लैंडलॉर्ड्स को, क्यों, लैंड रेवेन्यू चेंजेस रीज़न था यही। ये फेमस क्यों हो गया, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश किया और राम गोपाल घोष ने भी इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद और एक रिवोल्ट होता है, उसका नाम है पागलपंथी रिवोल्ट। पागलपंथी ये 1825 से लेके 1850 तक होता है, और कहाँ पे होता है, ईस्ट बंगाल सहारनपुर। इसका लीडर कौन था, करम शाह। मीन्स ये रिवोल्ट कंटिन्यू चला 25 साल, दैट मीन्स सिर्फ एक लीडर नहीं था, पहले करम शाह लीडर था, फिर टीपू सुल्तान था। और इसका भी रीज़न क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। देखो पागलपंथी रिवोल्ट 1825 से लेके 50 तक हुआ, लीडर कौन था, करम शाह एंड टीपू सुल्तान। कहाँ पे हुआ, बंगाल सहारनपुर में। इसका रीज़न क्या था, ब्रिटिश का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद और एक रिवोल्ट होता है जिसका नाम है इंडिगो रिवोल्ट। इंपॉर्टेंट है, इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ, 1859 से लेके 1860 तक। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर की जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अगर आपको डेट वहां पे आएगा तो मेनली आपको 1860 लिखना है किसको, इंडिगो रिवोल्ट में। देखो इंडिगो क्या था, ये एक प्लांटेशन क्रॉप था, जो यहाँ के यूरोपियंस थे वो यहाँ के पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे कि आप इंडिगो प्लांट कर लो और हम आपको वो ले लेंगे कम कीमत पे, लेकिन इससे पीजेंट्स को बहुत नुकसान होता था, तो ये इंडिगो रिवोल्ट था। नील दर्पण एक बंगाली प्ले था भाई, दीनबंधु मित्रा इसने एक प्ले लिखा, नील दर्पण। क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द ऑथर ऑफ द नील दर्पण बंगाली प्ले, और नील दर्पण प्ले इज रिटन इन विच लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज। किसने लिखा, दीनबंधु मित्रा ने। इसने इस इशू को हाईलाइट किया, किसको, इंडिगो, इंडिगो इशू को। ये आपको याद रखना है, इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ, क्यों हुआ, अगेंस्ट यूरोपियंस। Who were forcing small peasants to plant the indigo? Okay, it was made famous by the Neel Darpan Bengali play written by Dinabandhu Mitra. कब हुआ, 1859 में। इसके बाद और एक रिवोल्ट आता है जिसका नाम है पाबना रिवोल्ट। ये पाबना रिवोल्ट है, ये 1873 से लेके 1885 तक हो रहा है। ये भी इसका भी रीज़न यही है कि रेवेन्यू एंड जमींदार्स, जो जमींदार्स थे वो फोर्सिबल एग्रीमेंट्स करते थे किनके साथ, पीजेंट्स के साथ।
जब फोर्सफुली ये एग्रीमेंट करते हैं तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, हरेसमेंट ऑपरेशन, तो पीजेंट्स के साथ जुलूम हो रहा है, तो एक रिवोल्ट हो रहा है। इसका लीडर कौन था, चंद्र रॉय एंड शंभुनाथ पाल, ये आपको याद रखना है। पाबना रिवोल्ट कब हुआ, रीज़न तो आपको कॉमन ही सबको दिखेगा, सिर्फ आपको रिवोल्ट याद रखने हैं और इसके लीडर्स। जो पाबना रिवोल्ट था इसका लीडर कौन था, चंद्र रॉय एंड शंभुनाथ पाल, ठीक है। 1873 में एक यूसुफ शाही परगाना ऑफ पबना, इसने एक लीग बनाई है जिसका नाम एग्राइन लीग है। ओके, एग्राइन लीग किसने फाउंड की, यूसुफ शाही ने, ठीक है। इसने क्या किया, जो ये रिवोल्ट हो रहा है ना पाबना रिवोल्ट, ये इसी के रिलेटेड है। ये इस रिवोल्ट को क्या बनाना चाहता था, क्वीन्स रियॉट्स फॉर सिक्योरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रीवेंसेस। ये इस रिवोल्ट को इतना बड़ा रिवोल्ट बनाना चाहता था कि जो क्वीन थी वो जो पीजेंट्स की ग्रीवेंस थी उनको सॉल्व कर ले। लीडर कौन था यहाँ पे, यूसुफ शाही, लेकिन किसका लीडर था, एग्राइन लीग का। ये भी एक पार्ट था किसका, पाबना रिवोल्ट का, लेकिन जो एक्चुअल मेन पाबना रिवोल्ट था उसका लीडर कौन था, चंद्र रॉय एंड शंभुनाथ पाल। इसमें भी हमें दिखी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें इससे पहले ही दिखी। कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ पे हुई थी, अगर हमने पहले ही पढ़ा हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें पहले ही रिवोल्ट में दिखी, पीजेंट अपराइजिंग एट रंगपुर, ठीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल एंड खोदी मुल्ला, ये कुछ हिंदू लीडर्स थे। किसमें, पाबना रिवोल्ट में। एग्राइन लीग भी रिलेटेड किसके साथ है, पाबना रिवोल्ट के साथ। एग्राइन लीग किसने लाई, यूसुफ शाही ने, कब, 1783 में। सिर्फ आपको रिवोल्ट याद रखने हैं और उनके लीडर्स, बाकी आपको मेन जो काज था वो रेवन्यू ही है। इसके बाद और एक आता है, वो आता है द कैरियोट्स और मराठा पीजेंट अपराइजिंग, ये 1875 में होता है। रीज़न, पहले रेवन्यू सिस्टम, रेवन्यू सिस्टम में कौन सा वाला, रिवॉर्ड वाली सिस्टम। 1860 में क्या होता है, कॉटन बूम ऑफ 1860, अगर आपको मैं पहले समझाऊंगा फिर आपको रिवोल्ट के बारे में आपको बोलूंगा, आपको पूरा समझा जाएगा। कॉटन बूम ऑफ 1860 जब होता है तो कॉटन के प्राइसेस कम होते हैं ड्यू टू अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। लेकिन जब कॉटन के प्राइसेस कम हो गए, गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ किया। जब गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ किया तो उससे क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट तो हो ही जाएगा, लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और जो लैंडलॉर्ड्स थे ना उनको बोला जाता है वैनस, VANIS, और जो फार्मर्स थे उनको बोला जाता था कुनबिस, कुनबिस मीन्स डेबिट कल्टिवेटर्स, जो ये कमाते थे कॉटन जो बनाते थे। जब ये रिवोल्ट हुआ, जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ किनके दरमियान, फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स के दरमियान, तो ब्रिटिश ने एक कमीशन बना दिया, द कैरियोट कमीशन। जब ये कमीशन बना दिया गया उसके बाद दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट भी आ गया, कब, 1879 में। जो ये दक्कन रियॉट है ना, ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ, सूपा इन बिमथाड़ी तालुका, वहाँ पे पहले स्टार्ट हो रहा है ये रिवोल्ट। दक्कन रियॉट्स, कॉटन बूम जब आ गया तो कॉटन के प्राइसेस कम हो गए, ब्रिटिश ने रेवेन्यू इंक्रीज़ किया, जब ब्रिटिश ने रेवेन्यू इंक्रीज़ किया तो कन्फ्लिक्ट हो गया किनके दरमियान, लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स के दरमियान। और जो फिर ब्रिटिश ने क्या किया, दक्कन रियॉट कमीशन लाया और दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 आ गया। अगर हम इसके रीजंस पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत लंबा जाएगा, तो हमें सिर्फ मेन पढ़ना है, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है। हम कंप्रेहेंसिव कोर्स भी लाएंगे वेरी सून, जिसमें हम पूरा डिटेल के साथ एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन है। इसके बाद और एक रिवोल्ट है जिसका नाम है गडकरी रिवोल्ट 1844। गडकरी, पहले आपको पता होना चाहिए ना कि गडकरी क्या है, ये मराठास के सर्वंट्स थे, जो हमने मराठास प्रीवियस पढ़ा है उनके कौन थे, सर्वंट्स।
ब्रिटिश ने इन सर्वेंट्स को क्या किया, जो ये जब मराठा किन के अंडर आ गया, ब्रिटिश के अंदर, तो ब्रिटिश पुट देम अंडर द मामलेदार, उनको एक लोअर रैंक दे दी, किनको, गडकरीज को, और इन पे इतने सप्रेसिव रेवेन्यू मेथड्स लगाए, ये बेचारे पॉवर्टी में आ गए। जब इनके इन पे इतने रेवेन्यू मेथड्स, ऑपरेसिव रेवेन्यू मेथड्स लाए गए, तो रिवोल्ट तो बनता है। सो गडकरी रिवोल्ट कब हुआ, 1844 में। गडकरीज कौन थे, सर्वेंट ऑफ मराठास। इसी के दौरान ना नॉन रेवेन्यू मूवमेंट हो गई कहाँ पे, आसाम और दक्कन में। उसको नॉन रेवेन्यू मूवमेंट में आप सिर्फ ये याद रखो कि रेवेन्यू पे नहीं कर, रेवेन्यू को पे नहीं करना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद और एक रिवोल्ट होता है, सन्यासी रिपब्लिक, ठीक है। सन्यासी कौन थे, ये हिंदू थे। इस रिवोल्ट में भी हमें देखने को मिली हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सन्यासी हिंदू थे, उनको सपोर्ट मिला मुस्लिम फकीर से, ठीक है। ये भी किन के अगेंस्ट था, जमींदार के अगेंस्ट। कहाँ पे हुआ, बंगाल एंड बिहार में। इसके लीडर्स बहुत थे, चलो हम इन लीडर्स के नाम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मंजू शाह था इसका लीडर, चिराग अली था इसका लीडर, मूसा शाह था इसका लीडर, भवानी पटक इसका लीडर था। ये इसके क्या थे, लीडर्स थे, किसके, सन्यासी रिबेलियन की। देवी चौधरानी थी इसकी, चौधरानी देवी या देवी चौधरानी, दोनों में से एक आप नाम पढ़ सकते हो। ये इसके लीडर्स थे। इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया किसने, ये बन सकता है क्वेश्चन, किस ने इसको कंट्रोल किया, वैरन हेस्टिंग्स। सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ, 1763 से लेके 1800 तक। इसमें सन्यासी हिंदू थे, फकीर मुस्लिम थे, ये भी अग्रेंट जमींदार था फॉर द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इसमें लीडर कौन कौन था, मंजू शाह था, चिराग अली था, मूसा शाह था, भवानी पटक था एंड देवी चौधरानी थी। और इस रिवोल्ट को कंट्रोल किसने किया, वारन हेस्टिंग्स ने। और ये फेमस जो ये सन्यासी रिवोल्ट है ना, ये फेमस बनाया किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वाई हिज नॉवल अनंदमत, इम्पोर्टेंट है याद रख लेना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने नॉवल में, जिस नॉवल का नाम था अनंदमत, अनंदमत में सन्यासी रिवोल्ट को फेमस किया है, ठीक है। हो गया हमारा सन्यासी रिवोल्ट भी, ठीक है। ये भी पीजेंट्स के मूवमेंट्स है, इसके बाद ट्राइबल्स का आएगा, आज हम पीजेंट्स को ख़त्म कर लेंगे, पीजेंट मूवमेंट्स ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद आता है इक्का मूवमेंट, ये 1921 में अवध में स्टार्ट होती है। रीज़न तो आपको पता ही होगा, रीज़न रेवेन्यू इशू विद द ब्रिटिश। अब इसके लीडर्स हमें देखने हैं, किसके, इक्का मूवमेंट के। मदारी पासी इसका लीडर था, मदारी पासी। रीज़न क्या था, हाई रेंट या रेवेन्यू। इस इक्का मूवमेंट को खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनसे भी सपोर्ट मिला, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट था कि इक्का मूवमेंट को सपोर्ट किनसे मिला, खिलाफत और कांग्रेस मूवमेंट, खिलाफत और कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया है। इसके बाद अवध में भी कुछ पीजेंट मूवमेंट्स होती है, अवध में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें टेंपल एंड मॉस्क को ऊपर रखा गया हर किसी पीजेंट के लिए, रेंट इश्यूज थे, किसान सभाज बनाए गए कहाँ पे, अवध में, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट हो गए, किसान सभाज बनाए गए वहाँ पे। पीजेंट्स को बोला गया कि आप एक्स्ट्रा मुनी दे दो, जिसको बोला जाता था पे नजराना, एक्स्ट्रा प्रीमियम। इसका जो मेन लीडर था, मीन्स किसका, किसान सभा का या पीजेंट मूवमेंट इन अवध का, बाबा रामचंद्र, ठीक है। इसके बाद जो मेन और एक रिवोल्ट था पीजेंट्स का, वो था पॉलीगार रिवोल्ट।
पॉलीगॉन रिवोल्ट। पॉलीगॉन रिवोल्ट का भी रीजन तो पहले ही आपको पता होगा, रेवेन्यू इशू, जिसका लीडर था मोतीलाल तेजवती उदयपुर में, मोतीलाल तेजवती उदयपुर एंड मेवर में, वहाँ पे इसको ये लीडर था। अब दूसरी जगह पे दरभंगा, दरभंगा थी एक जगह, वहाँ पे इसका लीडर था स्वामी विद्यानंद। पॉलीगॉन रिवोल्ट 1801 से लेकर 1805 तक, इसका भी इशू रेवेन्यू था मोतीलाल तेजवती, इसका लीडर था कहाँ पे, उदयपुर और मेवर में, दरभंगा में। इसका लीडर कौन था, स्वामी विद्यानंद। हो गया ये पॉलीगॉन। ऑल इंडिया किसान सभा उसी टाइम आ रही है, और ये बनाता कौन है, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इज सहजानंद सरस्वती। इसका भी एम क्या था, 50% रेंट रिडक्शन, मीन्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिडक्शन। अब कुछ छोटे छोटे रिवोल्ट हो गए, उनके बाद वो दो तीन है, वो भी हम पढ़ लेंगे। संबलपुर अपराइजिंग 1814 में, इसका लीडर था सुरेंद्र साहे, याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं। कुका रिवोल्ट पंजाब 1840 में, इसका लीडर कौन था, बलक सिंह एंड भगत जवाहर, देश के लीडर थे कुका रिवोल्ट के। संबलपुर अपराइजिंग, कोका रिवोल्ट, रामसोई अपराइजिंग, ये कहाँ पे हुई, महाराष्ट्र में, कब हुई, 1877 से लेके 1887 में। इसका लीडर कौन था, बलवंत पाड़के। मीन्स क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, लीडर कौन था, कब हुआ। बिजोली मूवमेंट राजस्थान में हो रही है, इसका लीडर कौन था, सीताराम दास। ये जो सारे रिवोल्ट्स हो गए ना, आपको सिर्फ याद रखने हैं लीडर कौन था और कब हुई। इनका मेन रीज़न जो था वो रेवेन्यू था और रेंट था, बस इतना आपको याद रखना है। चलो कल हम और एक इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे कल ट्राइबल रिबेलियन, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स थे जिन लोगों ने, जब ब्रिटिश ने इंटरफेयर स्टार्ट किया उनके टेरिटरी में, तो उन लोगों ने भी रिवोल्ट किए। तो कल हम ट्राइबल्स के रिवोल्ट्स पढ़ेंगे, उनका भी हम यही याद रखेंगे, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, रीज़न क्या था, रीज़न तो सबका सेम होता है, और लीडर कौन था, इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कल के लेक्चर में हम वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। और हम बाकी जियोग्राफी और पॉलिटी पे भी लेक्चर चैनल पे अपलोड हो गए हैं, वो भी आप देख लो, ताकि आप वहाँ से कुछ न्यू पॉइंट्स सीख जाओ। थैंक यू।